दही, देसी घी, छाछ और चूल्हे की रोटी और सिलबट्टे की चटनी, ये है मारो हरियाणा। और इस हरियाणा से आज आपको रूबरू कराएंगे और हरियाणा के उस चुनावी माहौल से भी आपको परिचित कराएंगे। इस वक्त हम हैं कलानौर विधानसभा के खरनौर गांव में और देखिए किस तरीके से यहां पर एक घर में जो वो पारंपरिक स्वाद है खाने का, आज वो आपको चखाएंगे। हम चखेंगे लेकिन आप हमारी नजरों से चखने की कोशिश करिएगा। देखिए, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। अब ये जो चूल्हे की रोटी है, ये हर रोज बनती है कि गैस चूल्हा आ गया? ना, रोज बनती है चूल्हे पे, खाया करा बना कर। गैस चूल्हा नहीं है? ना, गैस है चूल्हा। फिर खाने में का स्वाद तो इसमें है ना, चूल्हे की हम। तो ये जो कैसे बनाते हैं इसमें, ये जो आप गोबर के उपले हैं, ये इसमें भी तो बहुत मेहनत लगती है बनाने में। ये गोबर के उपले बना रखे, इन पत्था फिर सुखावा, फिर भी न बाला और भी इनका खाना बना रहे हैं। तो ये कितनी देर लगती है इसको? कुछ बार ना लगती, आध घंटे में कम्प्लीट हो जाए सारा काम। वाह। तो अब आपको दो लोगों का खाना और बनाना पड़ेगा। चाहे चेहरा का बनवा लो, कोई दिक्कत ना। हाँ, चाहे 50 का बनवा लो, कोई दिक्कत ना। तो क्या क्या आज खाने में जरा बताइए? खाने में है लाल मिर्चा की चटनी, हरी मिर्चा की चटनी और दही, नूनी घी, लस्सी, दाल। ये नूनी घी है। हाँ, जरा देखिए, आज पूरी थाली जो है ये हमारे लिए नहीं, ये खाना खा रहे थे लेकिन अब हम आ गए तो हम भी अब इनके खाने में शिरकत करेंगे। क्या क्या है ये? ये दही है और ये दाल है और ये लस्सी है और ये चटनी है जो सेब से बनाई है, कच्चे सेब से। कच्चे सेब से? कच्चे सेब से बनाई है। मुझे वहाँ सिलबट्टा दिख रहा है, मैं जरा वहाँ भी जाऊँ। हाँ हाँ, ये तो सिलबट्टे की चटनी, ये तो पूरी आपकी एक्सरसाइज हो रही है। हाँ जी। हाँ जी, ये शुरू से ऐसे बनाते हैं कि अब थोड़ा बदलाव हो गया? नहीं, ऐसे ही बनाते हैं जी, अच्छी लगती है। क्या 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 डाला है इसमें? इसमें लाल मिर्च डाली है और लहसुन डाला है, नमक डाला है और दही डाल ली है। तो देखिए, हरी मिर्च दिख रही है, लहसुन दिख रहा है, वो अलग, और इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है, मुझे लगता है रोटी के साथ सब्जी ना मिले या दाल मिले तब भी। सब्जी नहीं खाने का मन करता है जी, चटनी का ही करता है ना, यही खाते हैं ज्यादा। ये स्वाद जो है ना वो हरियाणा में ही मिल सकता है, इसीलिए मैंने कहा ये मारो हरियाणा है ना। हाँ, ये माटी की कुंडी से इसमें हरी हरी चटनी बनाऊंगी मैं। हरी चटनी बन रही है। देखिए, थोड़ा सा कैमरामैन से कहूंगी अब है, थोड़ा सा पास आओ क्योंकि ये जो स्वाद है, वो जो सुगंध आ रही है वो तो आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगी, लेकिन देखिए कैसे इसके अंदर क्या क्या डाला है। इसमें लहसुन, हरी मिर्च और नमक, दही डालेंगे। अच्छा, हरी मिर्च की चटनी तैयार हो जाएगी। ये पेट के लिए भी बहुत फायदा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो तो यही खाते हैं क्या पतिदेव? ये हम सुबह नूनी घी, दही और चटनी, हरी मिर्च की या कभी कभी लाल की, कभी मेसी रोटी, कभी बाजरे की रोटी, इनके साथ खाते हैं। बच्चे मना नहीं करते मोटे हो जाएंगे? हमारे बच्चे, हमारे बच्चे भी खुश होकर खाते हैं इनको। अच्छा, बिल्कुल चटनी रोटी चाहिए। हाँ, और पति देव को भी यही पसंद? पति देव को तो घनी पसंद है ये। और गेला शक्कर भेज दूं, ठीक है, गुड़ दे दूं, दही दे दूं, शीत दे दूं, यो घी दर दूं, नूनी हरी हरी मिर्च की, कदे लाल की चटनी बना दी। यहाँ पे ना दाल या सब्जी की जरूरत नहीं है। वैल्यू कौन है? आड़ दही की, दूध की, घी की, इन चीजा की वैल्यू से। फिर तो सरकार दाल सब्जी कितनी भी महंगी कर ले, करे जब हमारा क्या फर्क पड़े सर? मारा इतना फर्क नहीं। अरे क्या मैं, हम तो अपने घेर में बोलिया पलोटा में है, उड़े तो तोड़ के अपनी सब्जी बना लिया। खट्टर का बेसर कोई नहीं, हम सुन लीजिए, खट्टर ना तो मारे ताई बस नहर नहर दे दे, जो कर हम अपने धान पाल लिया, ठीक है, अपने खेत में हम पानी दे लिया, मारा गुजारा जमींदारा का हो जाए, हमने तो बस उन्नू चाहिए, ठीक है। हाँ, अब तो जो है खट्टर रहा ही नहीं, खट्टर को हटा ही दिया दादी। हाँ, हटा दिया बेटा, क्या करा, 10 साल ताई बतेरा हो करया। हमने बहुत उम्मीद थी कट्टर से बनाया, जब अब सारे काम करेगा भाई, सारी सुविधा देगा, नहीं पानी की सुविधा दी बेटा, नहीं बिजली की दी, नहीं कुछ काम करया, कुछ भी नाम काम करया। दादी आप बैठो ना, इधर 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 बैठो, तो आपके साथ भी बात करेंगे, आ जाओ। और देखिए, इन्होंने जब इतना प्यार से खाना बनाया है तो उसको भी चखेंगे। वैसे चाहे हम देसी घी खाए ना खाए, लेकिन इनके साथ आज जरूर खाएंगे। ये मक्खन है? हाँ, मक्खन है ये। तो ये इतना सारा मक्खन मोटा नहीं कर देगा ना? कौन करे, हम ये सारे मक्खन है ना, खाम कितने एक मोटे सा। इतने मक्खन में ना तुम्हारा सर भी ना होता। अच्छा, है?
हम तो कटोरी हम घन वाली खाया करा न्यू कौन है जुकर सब्जी खाओ ना तुम लोग हम न्यू मक्खन खाया करा छत से छलांग लगा लो लगा ना लगवा के देख लो ईब लगवा के देख लो देख लो लगवा के काम करते हैं ना हजम हो जाता है खेत का काम करना पड़ता है कितने साल की हो 75 साल की 75 साल की अभी भी कहेंगे दौड़ लगा लोगी नहीं दौड़ तो नहीं लगाती मेरा तो बीपी खाया था वो हो जाए बीपी हो जाए मक्खन खाए थे पहले बहुत खाया बीपी और यहाँ हरियाणा में बुढ़ा बीपी को पता भी नहीं होगा हरियाणा दस दस किले की वहाँ के अपने हाथ तक आटा हाँ हाँ अपने हाथ तक हाँ कंबाइन मशीन तो नहीं कटवा करा अपने खान के गेहूं 10 किले अपने हाथ तक आटा करा तभी तो यहाँ पति दे बहुत काम करा रहे हैं महिलाओं से ना को सही सा भगवान सब ने मिल और मन था सारे जन्म यो मिल रहे इतना बढ़िया एक एक जन्म नहीं सारे जन्म। ना सारे जन्म में कदे जन्म लियो मन तो यो पति मिल रहा है ऐसा क्या कर दिया ना बहुत कमल पति है मेरा ना तो क्या है बीड़ी सिगरेट पान तमाकू चाय पीता ना यो शुद्ध खाना खा बस मेरा पति शीत दही मक्खन आपका भी ऐसी हाँ जी मैं तो सिर्फ कट्टर सरकार से यही कहना चाह रही हूँ हमारे यहाँ पे IMT 11 साल पहले हम किसानों की जमीन ली थी और ये बोला था कि यहाँ पे रोजगार का साधन करेंगे कंपनी आएंगी और जहाँ तक हो सकता है ये जो जिसको अलॉट करी थी IMT उसको 5 साल का टाइम दिया था कि हम बना के इसको दोबारा से रिपेयर करेंगे लेकिन पिछले 11 साल से IMT बिल्कुल खाली है उस पर कोई काम ही नहीं चल रहा है उसकी ना कोई सफाई होती ना उसको अलॉट किया किया उससे क्या परेशानी आ रही है उससे ये बारे हमारे किसान भाइयों की जो जमीन ली है तो उनको ये था कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा कोई कंपनी आएंगी तो बच्चों को काम मिलेगा हमारे बच्चों को कोई काम ही नहीं मिल पा रहा है तो 11 साल से IMT का बुरा हाल करके रखा है किसानों की जमीन ले लिया वो खेती जो उनके पास थी वो भी चली गई रोजगार की जो उम्मीद थी वो भी खट्टर सरकार ने खत्म कर दी। रोजगार का मुद्दा तो बहुत बड़ा है जॉब नहीं मिल रही है बहुत बेरोजगारी बढ़ रही है तो अभी बजट में तो कह रहे हैं बजट जो आया है कल उसमें बोल रहे हैं कि बच्चों को इंटर्नशिप जो है वो कराई जाएगी आपको लगता है ऐसा कुछ होगा कुछ नहीं आज तक तो 11 साल में हमने देखा नहीं है मैं खुद एजुकेटेड हूँ मैंने आज तक हरियाणा में क्या किया हुआ है मैंने BEd और MA कर रखी है PhD कर रखी है सरकारी नौकरी के लिए ट्राई नहीं किया तो टीचर बन सकती थी टीचर ने भी कैंसी नहीं निकाल रहे हैं गवर्नमेंट 11 साल से कहाँ भी कैंसी निकली है टीचर्स की कहाँ फॉर्म निकालते हैं उसको कभी किसी वजह से कैंसिल कर देते कभी पेपर लीक हो जाता है कभी कुछ हो जाता है ऐसे ही चलता रहता है फिर घर का खाना नहीं मिलता ना नौकरी करती तो घर का नहीं वो यहाँ पे ना जो लेडीज हैं जो नौकरी करती हैं वो पहले अपने घर का सारा काम करके जाती हैं यहाँ के जो हमारे भाई साहब है सरपंच साहब उनकी वाइफ एज ए टीचर हैं लेक्चरर हैं वो सुबह अपना अपने बच्चों का सारा खाना बना के तब ड्यूटी पे जाते आके फिर अपना काम यहाँ की औरतों को ये नहीं है कि मैं नौकरी लगी तो मैं अपने बच्चों को नहीं संभाल पाऊंगी अपने परिवार को नहीं संभाल पाऊंगी ऐसा कुछ नहीं है सब मैनेज कर लेती हैं हरियाणा की औरतें लेकिन खट्टर सरकार ने यही है नहीं तो पानी है नहर 45 दिन में नहर देते हैं और वो भी 2 या 3 दिन फिर काट लेते उसको ना गांव में पानी की सुविधा ना खेतों में किस पानी की सुविधा नहीं है बिजली की एक बड़ी समस्या है चलिए रोटी इस बीच ठंडी हो गई है थोड़ा सा बीच बीच में खा भी लेते क्योंकि बड़ी मेहनत से बनाई है और मक्खन जो है ना वो भी पिघल गया है बिल्कुल बिल्कुल रख दीजिए और देखिए ये है दाल ये चटनी और ये भी एक और चटनी आ गई दो बालक सरकारी लाग रहे हुए उड़ा करनाल गेर रखे कितने दिन हो लिए कै बजा लिए ये तो आपके हरियाणा में मुख्यमंत्री को क्यों बदल दिया बदलना ही पड़ेगा यो खट्टर तक की तो बजाना पड़ेगा हाँ बेटा कुछ कुछ आया कौन है ऐसे बदला हरियाणा में नहीं करा उन कुछ भी यहाँ वो आने करो तक मैंने शकल नहीं देखा ये हरियाणा ने बनाया था भाई अड़े का भी बनी बुजू धोखी सौकी भाई की चीज की दिक्कत अड़ा आया नहीं बेटा वो बनका है अरो नहीं आई यहाँ कभी हाँ 10 साल में हाँ क्या क्या या परमिशन हमने कोई दे देना तामती खट्टर ने पाकिस्तान में छोड़े हुआ दवा दो ना दवा दो ऐसा भी कौन है होता है यो किसाई भी कौन है सरकार में बहुत सारे काम हुए थे हमारे यहाँ पे इसमें जज्जर में एम्स आया था एम्स में सिर्फ कैंसर का ला के छोड़ दिया बाकी कुछ भी नहीं हुआ
सरकार ने 11 साल में सिर्फ उसको एक कैंसर का हॉस्पिटल बना के छोड़ दिया। एम्स में तो सभी सुविधाएं होनी चाहिए भाई, जो आसपास के आदमी जिनके पैसे नहीं है वो तो सरकारी हॉस्पिटल में ही जाएंगे, लेकिन नहीं, पीजीआई का बुरा हाल है, आप जाके देखना, कोई काम नहीं करवा, सरकारी दवाएं नहीं, सरकारी डिस्पेंसरीज में दवाएं वगैरह दवाई नहीं है, डिस्पेंसरी है ये उड़ा सरकार के टाइम पे हमारे यहाँ बन गई थी, उसके बाद इसका कोई आता पता नहीं, कोई संभालने वाला नहीं है कि भैया के दवाई टाइम पे दवाई प्रोवाइड करवाएं गाँव वालों को, वो कहीं इधर उधर ना भागे, गरीब हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, आने जाने का साधन नहीं है, वो कहाँ जाएगा, वो यहीं पिसके रह जाता है। ये तो खेत में था वहाँ हरी बीमारी से डिस्पेंसरी में जाऊ दवाई भी ना मिलना बता, फिर बैठे ना अपने ताता छीड़ा घर नहीं लेकर चा पी के पड़ा के दूध पी के पड़ा। आइए आइए दीदी, इधर आइए, दीदी से भी बात करेंगे। और देखिए इतनी खट्टी मीठी, इतनी जबरदस्त चटनी है, मुझे लगता है किसी सब्जी की जरूरत नहीं है, टमाटर महंगा भी हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा। देखो जी, कहने का मतलब सारा यही है कि जनता अगर किसी को बनाती है तो वहां पर आके चेक करना चाहिए उनको, क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम्स है। अगर नेता यहाँ पर आके ही नहीं देखता तो फायदा क्या है। अब हमारे सरपंच ही बने हुए हैं, हर चीज का संविधान वो निकालते हैं, वो अपने पास से कब तक निकालेंगे। ठीक है, पहले भी और कोई भी सरपंच थे और कुछ भी था एक्स वाई जेड में। देखो मैं तो यहाँ पर रहती भी नहीं थी, मैं तो अभी आई हूँ, 4 साल से यहाँ पर मैंने विजिट किया है। तो देखो दूसरे भी सरपंच थे और भी थे, जितना सरपंच इन्होंने काम किया है ना, हमें नहीं लगता है आज तक यहाँ पर गाँव में घना सोना पहन रही हो, और कल बजट में भी सोना सस्ता हो गया जी, गाँव का यही है, सासू ने चढ़ा रखे हमारे। अच्छा, बिल्कुल जी, सासू माँ बढ़िया है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, कैमरे पे बोलना। नहीं जी बेशक पूछ लो, सबको पता है, सब जानते, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। बिल्कुल, आपको ऐसे बिठा के खिलाती है? बिल्कुल जी। हाँ? बिल्कुल, कोई काम नहीं। मारी सासू रोटी पुआ रहे, वो बैठ कर खा लिया कर जी, ये भी ऐसा टाइम आ रहा है। ये सब सिर्फ सोचने की बात है, ऐसा होता है? नहीं होता है, ये मेरी सास है, सामने ही बैठी है, सार गरम गरम रोटी खिलाती है। कभी भी सोते हैं तो ये नहीं बोलती वो उठ जा काम कर ले, बेटी जब उठे जब कर ली अपना काम। ये जो इतनी सारे बहुएं सुन रही होंगी ना, सोच रही होंगी हर बहू को ऐसी सास मिले। ना बेटा, बहू भी अच्छी है, बहू भी ठीक है बेटा। हाँ, बहू नहीं बना रहे बेटा, बेटी बना कर। बहू भी अच्छी होनी, बहू भी अच्छी। क्या करती, पैर वैर दबाती? हाँ, पैर दबा दे, दबाती हो ना पैर। हाँ हाँ, ये अब निकल रहा है बेटा। पाँ मेरे दुखते को ना, मैं हंडू सारे का, मेरे पाँ दर्द को ना बेटा। बहू कह रही है कि सरकारी नौकरी निकलती तो मैं अप्लाई करती, तो चाहती थी बहू नौकरी का? हाँ बेटा, कती चाहूँ थी मतलब। हाँ बेटा की चाहूँ थी, बहू की भी ना, बेटा ने मिली ना बहू ने। बेटा मेरा बीटेक कर रहा है, वो भी यहाँ दुकान कर रहा है, नौकरी उसने भी नहीं मिली सरकारी। हाँ, एक बेटा बीए कर रहा है सरकारी, उसने भी नहीं मिली। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी तो अपनी जगह ठीक है, अजवाड़े का मुख्यमंत्री जो बना है ना, उसने काम कुछ नहीं करा। मोदी ठीक है, मोदी ने गलत नहीं बता दिया, वो ठीक है। हाँ, पर बेटा कट्टर ने कुछ नहीं करा हरियाणा। तो देखिए इतनी इतनी देर की बातचीत में कितनी सारी रोटियां जो है वो भी बन गई है, और हरियाणा है खुलकर खाते पीते हैं, है ना, और बढ़िया ढाल कती खुश। हाँ, कती हाँ, कती खुश होकर खाओ और सब खाओ, स्वाद भी आओ, कहीं बैठ कर खाओ तो है मजा। 50 आदमी भी आ जाते हैं ना, तब भी एक और बनाते भी हैं 50 आदमियों का खाना मंदिर पे, कोई बाहर से आज हम किसान भूखा नहीं जान देते, अपने हाथ बना खिलाया करना। पति जब हुक्का पीता है तो भी खिलाओ? हाँ खिला देंगे, हुक्का तो हम भरकर दे देंगे अपने पति ने, कोई दिक्कत ना, हुक्के की कोई दिक्कत नहीं, भरकर दे देंगे। दारू बीड़ी सिगरेट, अरे एक और रिक्वेस्ट है सरकार ते, इकलाड़ में 3 ठेके से 3 वाहन की तरह दूर पहुँचा दे, अड़गा में ठेका नहीं होना चाहिए दारू का। तुम्हारी बात नहीं मान रहे क्या पति? पति बात नहीं मान रहे, बोल दिया कि ना पीना? ना मेरा पति ना पीता, कुछ नहीं पीता मेरा पति। और मैं और खूब गाँव में कई बहन आकर कह गया है ये काम नहीं करवा सकते सरपंच ने कह, तई ठेकिया ना की तो दूर भजवा दो गाँव में, या दारू का कोई बस, सब लेडीज सुखी रहे, इब हम सुखी सा, एक लेडीज इसी से बेचारी दुखी से, तो गलत बात से ना, उसकी उसने सुना आता है जान दे काम, तो सुखी सा या बेचारी दुखी से, वो पी खाओ है रोटी खाओ ना उसका मार है, सारी रात बेचारी बाहर खड़ी रहे, तो यह गलत बात से, ये कितना दूर चले जाता अच्छा से। ये समस्या तो है। और चलिए फटाफट से एक एक सबसे हम रिएक्शन ले लेते हैं, कैसा लग रहा है, सब सही चल रहा है आपके गांव में? बढ़िया चल रहा है जी,
कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बिजली पानी सड़कें? बिजली पानी की तो है, बाकी कोई समस्या नहीं है। सड़क भी मुझे जब मैं आ रही थी तो थोड़ी गड़बड़ दिख रही थी, काफी खराब है। कब से सड़क नहीं बनी? सड़क अब पिछली बार तो रिपेयरिंग करवाई थी, ये लगवाए थे इसने सरकार, हाँ ये इसने बनाए थे शायद, ये कंपनी वाला है, एलपीएस वाले ने बनवाई थी। अच्छा, हाँ उसके बाद तो नहीं बनी है ना। ये हमारे जो अप्रोच रोड है वो भी खराब हो रहे हैं, नोन की तरफ जाओ अभी। नाना दादी कुछ ना लग रहा मेरे को, मैं भी रह लूंगी जब आप लोग बैठे हो मेरे साथ इतनी गर्मी में। मैं बहुत गर्मी सह रही हूँ, मेरे तो इतनी गर्मी सही नहीं जाकर। दादी आप तो खूब जियो, की मैं ऐसी रोटी खा रही है। हाँ कहू वो टिकड़े बेटी तू फिर आइए, आप ताई मैं टिकड़े बनावांगी, ये उपले ना उपले। मैं ये भाषा सीखना चाहूँ तो कैसे सीखूंगी? और आज ही मार्च 15 दिन ट्रेनिंग ले लिया, कति सिखा देंगे, कति सारी फ्री, फ्री कोई पैसा नहीं, और रोज ये वाली खाना खिलाऊंगे कति। जानने भी जी नहीं करेगा आपका। आप हमने इसमें एक खाने में भी है, बोलने में बताए सब कुछ सिखा देंगे, और कोई पैसा नहीं, कतिर बढ़िया खाना देंगे, और हमारे साथ रह के हमारे कैसी बन जाइए। ठीक है ठीक है, आपने तो बहुत ही जबरदस्त चटनी बनाई थी, और अब ये भी भाषा सीखनी है मुझे। हाँ सिखा देंगे, तो कति फ्री क्लास है हमारी तो। और देखिए यही है मारो हरियाणा, जहाँ कोई लाग लपेट नहीं है, बहुत ही स्पष्ट और खड़ी भाषा में अपनी बात कह देते हैं। और देखिए बातों बातों में हमने वो स्वादिष्ट खाना भी खा लिया, और जाहिर तौर पर इतना स्वादिष्ट खाना है, और मुझे लगता है खाना खाने के बाद ऐसा महसूस भी नहीं होगा कोई दिक्कत। मुझे जब हम लोग शहर में खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने के बाद गैस बन जा, पेट न पकड़ी रहे, भाज गलो एटरिंग में बढ़ेंगे, कितना बढ़ेंगे, और यो खाना खा कर आराम तो चाहे घूमन की जरूरत को ना, आराम तो बैठ जाओ, कति कोई दिक्कत नहीं। पड़ी भी एक सरकार तो रिक्वेस्ट है, इस जो कर दे हमारे बच्चे नौकरी लगवा दी, ये ब्याह है जा कित, ये बेचारे इतने बालक शादी नहीं हो रही, और इसे पढ़े लिखे है पूरी वो कर रहे, बालक डिग्री ले रहे, बता गांव घर ना बैठे, फिर ब्याह कौन जाए। और राजनीति से बहुत ज्यादा दूर है, और इन्हें कोई मतलब नहीं है किसकी सरकार आए ना आए, सिर्फ जो इनकी जरूरतें हैं, जो इनकी आप देखिए उम्मीदें हैं, उस पर ऐसी सरकार को जरूर खरा उतरना चाहिए। कैमरामैन अभय के साथ दिव्या अग्रवाल, हरियाणा न्यूज 24।